नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत बहुत स्वागत करता हूँ आज के लिए यूट्यूब चैनल पे। तो यहाँ पे जो है बिहार यूनिवर्सिटी के एक कॉलेज ने आज जो है पार्ट टू के नामांकन के लिए आज एक नोटिफिकेशन निकाली है। उस नोटिफिकेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ जो फ़ी वगैरह के बारे में जो है डिस्कशन किया गया है, बताया गया है, और आपको किस तरीके से अपना नामांकन जो है कराना है पार्ट टू के लिए, मतलब इनरोलमेंट जो आपको कराना है किस तरीके से कराना है, एडमिशन कैसे लेना है, इसके बारे में बताया गया। तो यहाँ पे आईडीएस कॉलेज जो है सामने निकल कर आती है, रामदयालु सिंह महाविद्यालय जो है मुजफ्फरपुर की कॉलेज है। तो आज आईडीएस कॉलेज ने नोटिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि सभी बच्चे जो भी पार्ट टू के हैं 2018 से 21 सेशन वाले, वो अपना इनरोलमेंट करा ले। और किस प्रक्रिया से कराना है, ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो यहाँ पे ऑनलाइन मोड को चुना गया है। कॉलेज के वेबसाइट पे जाकर के आपको जो है अपना नामांकन दर्ज कराना है। किस प्रकार से कराना है इसके बारे में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए और कुछ चीज़ों को यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा ज़रूर। यहाँ पे रामदयालु सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर, यहाँ पे बताया गया आवश्यक सूचना, रामदयालु सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में पढ़ रहे स्नातक द्वितीय खंड के छात्र एवं छात्राओं को सूचित किया जाता है कि उनका नामांकन दिनांक 25/9/2020 से 3/10/2020 तक जो है rdscollege.ac.in पर जो है आपका जो है फॉर्म जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, जो भी आपका नामांकन करना है। और इसमें जो जो प्रक्रियाएं होने वाली है उसके बारे में मैं बताता हूँ। नामांकन के समय निम्न कागजात का जो है आपको स्कैन कॉपी जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कैफ़े जाएंगे और साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अपने घर से भी कर सकते हैं, फ़ोन से जो है PDF क्रिएट करके जो आप अपलोड कर सकते हैं। किस तरीके से करना है वो आने वाली वीडियोस में मैं बताऊंगा। सबसे पहले अभी तो डेट है नहीं, 25 तारीख से स्टार्ट हो रही है, यानी कि कल से स्टार्ट हो रही है। तो 25 सितंबर से आपकी जो है यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया जो है नामांकन की पार्ट टू के लिए जो स्टार्ट होने वाली है। तो यहाँ पे इसका विवरण आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको स्नातक प्रथम खंड का जो है अंक पत्र, यानी कि आपको जो मार्कशीट जो है वो ऑनलाइन वाला ही आपको जो है डाउनलोड करके आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद पंजीयन प्रपत्र की छाया प्रति, रजिस्ट्रेशन कार्ड का यहाँ पे जो है फोटो कॉपी आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे तीसरे नंबर पे स्नातक प्रथम खंड का नामांकन चलान, यानी कि नामांकन चलान जो आपको मिला होगा वो आपको अपलोड करना होगा। यहाँ पे आधार कार्ड भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, पासपोर्ट साइज़ का यहाँ पे फ़ोटो हस्ताक्षर भी जो है साथ में लगा करके आपको अपलोड करना होगा। फ़ोटो और हस्ताक्षर साथ में यहाँ पे होगा या अलग अलग उसका कॉलम जैसा होगा वेबसाइट पे, उस तरीके से आपको करना होगा। वेबसाइट का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दे रहा हूँ। आरडीएस कॉलेज का डायरेक्ट जो है वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। साथ ही साथ एप्लीकेशन का कुछ जो एक यहाँ पे जो नोटिस है वो मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो आपके आरडीएस कॉलेज के वेबसाइट पे जाकर के आप देख सकते हैं। मैंने वहाँ से स्क्रीनशॉट आपको ये दिखा रहा हूँ। जो यूज़र इंटरफेस पे आप यहाँ पे अपने फ़ोन के स्क्रीन पे देख सकते हैं, CIMS रामदयालु सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर का यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है ऑनलाइन एडमिशन प्रक्रिया के लिए। यहाँ पे जो नोटिस जारी किया है, ऑनलाइन एडमिशन TDC पार्ट टू ग्रेजुएशन अप्लाई हियर, तो आप वहाँ से जो है अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई नाउ अभी जो है पोर्टल पे खुला है, ऑनलाइन एडमिशन TDC पार्ट टू ग्रेजुएशन RDS कॉलेज मुजफ्फरपुर, हेल्पलाइन नंबर भी है साथ में, आप यहाँ से कांटेक्ट भी कर सकते हैं, उनको कॉल करके पूछ सकते हैं आपके जो भी सवाल होंगे। पहले आप पूछ लें, उसके बाद ही आप ऑनलाइन जाकर के जब अपना फॉर्म सबमिट करें। बाद बाकी चीज़ें जो है आप RDS कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं। यहाँ पर अब हम छठवें पॉइंट पर देखते हैं, छात्र छात्राओं का ईमेल आईडी, यानी कि आपका ईमेल आईडी लगने वाला है। आप पर्सनल ईमेल आईडी दें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद अगर आपका कास्ट कोई सर्टिफिकेट है, ST SC या अन्य के छात्र छात्राओं के लिए जो है यहाँ पे जातीय प्रमाण पत्र का छाया पत्र, यानी कि फोटो कॉपी आपको लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो आपको फी पेमेंट का है इसके ऊपर हम जरा चर्चा कर लेते हैं। सामान्य कोटि के छात्रों के लिए जहाँ पे कला और वाणिज्य में जो है 3,030 रुपये जो है देने पड़ेंगे। उसके बाद 9वें अंक में यहाँ पे देख रहे होंगे, सामान्य कोटि के छात्राओं के लिए कला और वाणिज्य के लिए 2874 रुपये लगेंगे। आरक्षित कोटि के छात्र एवं छात्राओं के लिए जो कला और वाणिज्य के लिए जो 2874 रुपये लगने वाले हैं। सामान्य कोटि के छात्रों को जो है विज्ञान के लिए जो है यहाँ पे 3156 रुपये लगने वाले हैं। सामान्य कोटि के छात्राओं के लिए जो विज्ञान के लिए जो भी फॉर्म भरेंगे उनके लिए जो है 2976 रुपये भरने होंगे उन पार्ट टू में एडमिशन के लिए। और उसके बाद यहाँ पे अंतिम में जो आखिरी आ जाता है, आरक्षित कोटि के जो यहाँ पे छात्र एवं छात्राएं हैं जो विज्ञान के लिए फॉर्म भरेंगे उनको भी 2976 रुपये यहाँ पे देय राशि लगेगा। भूगोल एवं मनोविज्ञान विषय के लिए जो 100 रुपये अतिरिक्त उनको देना पड़ेगा। और बाद बाकी चीज़ें जो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो आप वेबसाइट पर जाके विजिट करें। साथ ही साथ वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है चीज़ें आपको सामने निकल करके आएंगी, जो जो चीज़ें करनी है। खैर, ये जो प्रक्रिया है कल से स्टार्ट होने वाली है, यानी 25 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। RDS कॉलेज के लिए स्पेसिफिक ये जारी किया गया, बाद बाकी किसी कॉलेज के बच्चे जो ट्राई नहीं करें, क्योंकि अगर आप करेंगे आप किसी और कॉलेज से हैं आपका पैसा वगैरह फंस जाएगा तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। इसके लिए मैं सलाह नहीं देता हूँ। सिर्फ RDS कॉलेज के जो स्टूडेंट्स होंगे पार्ट टू के लिए वही अपना जो है फॉर्म ऑनलाइन जाकर के अप्लाई करेंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दे रहा हूँ। बाकी चीज़ें आप वहाँ से नोटिस देख सकते हैं, जो भी आपने नोटिस देखा है। कॉन्टैक्ट नंबर पर एक बार कॉन्टैक्ट करके कन्फर्म कर ले अपने कॉलेज से, उसके बाद ही फॉर्म भरे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ। धन्यवाद। आपका जो भी कॉलेज है वहाँ से आप पता करने की कोशिश करें कि फॉर्म भरा रहा है या नहीं।